कि YouTube पर आपको किस तरीके की मेल बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ 2018 से YouTube पर, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हमें मेल बनाना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखकर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हैं और उस मेल से अपना YouTube चैनल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर किस तरीके की मेल आखिर ठीक रहती है। चलिए मैं यहाँ पर मेल के लिए ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर मेल बनाते भी जाऊँगा और आपको समझाते भी जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने प्रोफाइल के आइकन पर सिंपली क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मिलता है यहाँ पर एड ऑथर अकाउंट, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फिंगर लगा देता हूँ अपने, और मैंने यहाँ पर फिंगर लगा दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है क्रिएटर अकाउंट, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर माय पर्सनल यूज। अब फॉर माय पर्सनल यूज में वो मेलें आती हैं जैसे कि यूट्यूब के लिए बना रहा है, ठीक है, और यानी कि आप उस मेल को किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये वो मेलें आती है। इसी के साथ में फॉर वर्क और माय बिजनेस, अब ये वो मेलें आती हैं जैसे कि बिजनेस के तौर पर आप वहाँ पर दे देते हैं तो उन मेल्स के जरिए कोई भी कांटेक्ट करता है आपको, ठीक है, तो ये मेल आपकी हमेशा दिखेगी, ठीक है, तो ये उस हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पर्सनल यानी कि यूज मेल यानी कि पर्सनल पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम यूट्यूब की मेल है वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ पी, या मैं यहाँ पर कोई भी नेम देता हूँ अभी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ राजकुमार, उसके बाद में कुमार, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम डे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेल है फीमेल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर खुद से अपनी ईमेल एंटर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर का भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यहीं पर आती है, ठीक है, क्योंकि बस कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही मोबाइल नंबर से कई सारी मेलें बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले कभी भी यूट्यूब चैनल बनाया है और इसी के साथ में उस नंबर से आपने मेल को वेरिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, या फिर आपका उस मेल पर आपका जो मोबाइल नंबर था वो पहले ही लगा हुआ था, ठीक है, और आप उसी मोबाइल में आप यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी बना रहे हैं और आप उसी नंबर को इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और वो यूट्यूब चैनल दूसरी मेल से चल रहा है और उस मेल पर आपका ये वाला नंबर लगा है, ठीक है, तो आपको इस वाली मेल पर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर लगाना है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका एक चैनल डिलीट होता है किसी भी कारणवश, ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर ही सही या फिर कोई अन्य वजह को लेकर सही, तो अब YouTube टीम क्या करेगी, जो भी आपके चैनल्स होगी उस नंबर से जुड़ोगे, सबसे पहले आपकी मेल को टारगेट करेगी, मेल पर जो भी नंबर्स होंगे वो सबको टारगेट करेगी, ठीक है, कौन कौन सी मेल है और कौन कौन सी मेल से आपके चैनल बने हुए, तो आपके चैनल दोनों खतरा में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोनों मेल्स को अलग अलग रख लीजिएगा, एक ही मेल से चैनल्स को, दो चैनल्स को कनेक्ट मत कीजिएगा, एक ही मेल से एक ही चैनल को चलाइएगा और उस पर नंबर अलग अलग लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर यस यूज नंबर, इस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर है तो वो आ जाएगा, नहीं आता है तो अपना मोबाइल नंबर डालकर और आपको नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर आई एग्री पर सिंपली क्लिक कर देना है।
उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर 8 अंकों का अपना पासवर्ड बना लेता हूँ, जैसे कि कैपिटल अक्षर। कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि ABCD के बड़े अक्षर, ठीक है, और स्मॉल का मतलब होता है यानी कि छोटे अक्षर। और इसी के साथ में नंबर डालना है, और आपको जैसे कि @, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 8 अंकों का बना लेना है और पासवर्ड को नोट करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद में जो आपकी मेल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर भी दिखने लगेगा। अगर आप अपनी मेल को यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर दूसरी रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर दूसरी भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप दी मेल आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ से खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ राज, और उसके बाद में कुमार, KUMAR, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 1999, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इतना ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद में डन करेंगे, तो ये यानी कि ये नाम है वो पहले से ही किसी ने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर कोई और भी देखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ राजकुमार G70, और इसी के साथ में 84-8, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, आप जो भी नेम देना चाहें आप यहाँ पर बना सकते हैं अपने खुद के मनपसंद से, ठीक है। उसके बाद में हम डन कर देंगे, और आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, एड्रेस वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने गूगल की तरफ से यहाँ पर जो प्राइवेसी है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आ जाएंगी। उसके बाद में आप आई एग्री पर सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप आई एग्री पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको यहाँ पर इंतज़ार कर लेना है, ठीक है, और आपकी मेल है वो बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेल है हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। और आप यहां पर अपना एक न्यू YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, और इसी के साथ में किसी भी, अगर आप कोई भी काम करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो ठीक है, तो आप इस मेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए, अगर आपके आने वाले समय के लिए मैं बता रहा हूं कि ये नहीं है कि ये कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप एक ही मेल से कई कई आप सिस्टम चला सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, वेबसाइट है। तो मैं कहता हूं कि आप एक डायरी ले लीजिएगा, उसमें पासवर्ड वगैरह, अपनी मेल वगैरह आप वहां पर लिख कर रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी आप काम कर रहे हैं, हर काम की आप मेल अलग अलग रखें, ठीक है, ताकि कोई भी गलती होती है तो यानी कि हर जगह की अलग अलग मेल होगी, तो वो एक ही जगह का नुकसान होगा, ठीक है। अब नुकसान क्या होता है, आपको एक भी बात समझ लेना है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जब भी अगर आप अपना जो रिकवरी होता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आप अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन में सेम ईमेल ना डालें, अपने जो आपकी मेल है, ठीक है, उसी की ही मेल ना डालें, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी, और उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से हमें मेल बनाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।